एक ही है, लेकिन पत्थर तोड़ने के बाद उसके दो भाग कर दिए तो किस्मत का कुछ नहीं पता कि एक पत्थर मंदिर में जाकर के पूजता है और एक सीढ़ियों पर लगा जो हमारे और आपके पैरों के नीचे पड़ रहा है। वारे भक्त एक शंकर जी बन पूजते एक सीढ़ी पर लगा किस्मत दोनों की अलग अलग है। बताया है एक चूल्हे रानी सुनीति अपने बेटा ध्रुव की बड़ी प्रेम से देखभाल कर रही है। उधर हुआ क्या, उत्तम आज महलों में महाराज उत्तानपाद के पास में रहती है और इधर ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास चिड़िया और काग भगा रही हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं। बेटा ध्रुव नाना प्रकार के खेल खेलते हैं मिट्टी में। मैया सुनीति अपने बेटा को खेतों पर बिठा देती हैं और खेतों पर बिठाने के बाद में चिड़िया काग उड़ाती हैं। आज प्रिय श्रोताओं बंधुओं, ध्रुव धीरे 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 बड़े होते जा रहे हैं और उधर रानी सुरजी के महलों में जो बालक उत्तम था वो भी बड़ा होता चला जा रहा है। तो भाइयों, एक दिन की बात थी कि बेटा ध्रुव और उत्तम महलों में खेल रहे थे, जब महलों में खेल रहे थे तो महाराज उत्तानपाद ने जब अपने बेटा ध्रुव को खेलता हुआ देखा तो जब ध्रुव को खेलता हुआ देखा तो ध्रुव को अपनी गोदी में महाराज उत्तानपाद ने बिठा लिया। जब उत्तानपाद ने बेटा ध्रुव को बिठा लिया, खिलाने लगे, तब तक सुरजी ने देखा कि महाराज उत्तानपाद ने मेरे बेटे का हाथ पकड़ लिया और मेरी सौत के बेटे को गोदी में बिठा लिया। भला मेरे साथ में ये अनर्थ क्यों कर रहे हैं?